रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके हैं। लेकिन यूक्रेन के पीछे तमाम पश्चिमी देशों के हथियारों की ताकत है, जो उसे सरेंडर नहीं करने दे रही है। लेकिन अकेले रूस के हथियारों ने नेटो देशों के हथियारों को मैदान में टिकने नहीं दिया है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका ने माना है कि रूस के हथियार यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में रूसी सेना को एक और ऐसा हथियार मिलने जा रहा है, जिससे रूस की ताकत न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत होगी। दरअसल रूसी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे इस साल अतिरिक्त S-500 मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस और विदेशी जानकारों का कहना है कि ये दुनिया में सबसे एडवांस्ड और शक्तिशाली एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है। इस सिस्टम का पूरा नाम S-500 प्रोमेते है, जिसका ग्रीक नाम प्रोमीथियस है और जिसका पुरातन ग्रीक में अर्थ है ईश्वर की आग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूस द्वारा बनाया गया ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि S-500 एक रोड मोबाइल एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे अल्माजा एंटी रूसी कंपनी ने बनाया है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और ये 800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये एक साथ में 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ते हैं। ये मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 10 या 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है। इसकी रेंज दुश्मन की मिसाइलों, स्पेसक्राफ्ट और ऑर्बिटल वेपन प्लेटफॉर्म्स को अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न पृथ्वी कक्षाओं में ही निष्क्रिय कर सकता है। इसकी मिसाइलें हवा में ऊपर नीचे जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक स्वतंत्र रेडार कंपोनेंट लगा है, जो हवा में अपनी रफ्तार और ऊंचाई बदलने वाले हमलों से निपटने में सक्षम बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे S-400, S-300, VM-4, S-350 विटाज और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम के साथ चलाया जा सकता है। इसमें काउंटर जैमिंग उपकरण, कमांड पोस्ट और एक या एक से अधिक रीलोडर व्हीकल्स लगाए जा सकते हैं। ये लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने के लिए बना है। इसमें 96L6 मोबाइल ज्यादा ऊंचाई वाला डिटेक्टर लगाया जा सकता है। इसमें 97L6 एडवांस एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा 40V6MT यूनिवर्सल मोबाइल कंट्रोल टावर मास्ट भी लगाया जा सकता है। इसमें 40N6M जैसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें 77N6N नूडल और 77N6N1 और 40N6M प्रोमेथे मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे मिसाइल फायर करने के बाद इसे तुरंत अपनी जगह से हटाया जा सकता है, ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस इसे चिन्हित ना कर सके। और ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज जैसे F-22 और F-35 को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। इतनी खूबियों वाले हथियार के रूसी सेना में आने से एक बात तो साफ है कि पुतिन अमेरिका समेत तमाम नेटो से आर पार की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।